तो अभी तक जैसे कि आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे, वो देश के सामने बजट पेश कर रही थी। किस किस सेक्टर को क्या क्या दिया गया, इसको बारीकी से हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सेंसेक्स में उछाल देखा गया है, 1200 अंक सेंसेक्स बढ़ चुका है। इसके साथ ही निफ्टी में भी आपको बता दूं कि 350 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई है। क्या कुछ बजट में रहा, किसको कितना मिला, किसको कितना नहीं मिला, किसको फायदा होने वाला है, किसको सस्ता किया गया है और किन किन चीजों में दाम बढ़ाए गए हैं, इन पूरी चीजों को बारीकी से समझेंगे अपने दोनों जो हमारे साथ मौजूद हैं, पुलकित अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ रजनीश शुक्ला जी भी मौजूद हैं। रजनीश शुक्ला जी, ये बताइए, बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है, 75 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको आईटीआर फाइल करने से मुक्ति दे दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सैलरीड क्लास के लोगों के लिए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किए गए, मतलब टैक्स स्लैब ज्यो का त्यो बना हुआ है। जैसे पहले बातें हो रही थी, उम्मीदें लगाई जा रही थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो ये बताइए रजनीश शुक्ला जी, किसको फायदा हुआ, किस क्लास को या किस सेक्टर को आज खुशी से उठ जाना चाहिए? सर, मार्केट जंप कर रही है, बिल्कुल, मतलब कॉरपोरेट से उत्साहित हैं कि कुछ नया आया है। बात करो पूरे बजट की, तो हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कशन भी किया था, आप उसमें देखो हम लोगों ने बात कही थी कि सरकार के हैंड्स कहीं ना कहीं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि उनके पास फंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अब अगर आप आज के आंकड़े की बात करो जो डिस्क्लोज हुआ है, 9.5% हमारी डेफिसिट है इस साल के लिए, जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि 25-26 तक जाके उसको संभाल पाएगी, यानी हमारे पास कैश क्रंच बहुत है। दूसरी तरफ आप आओ, बजट नॉर्मली अगर आप इंडियन सिनेरियो में कहो, एक नॉर्मल पर्सन एक्सपेक्ट करता है सोशलिस्ट बजट, जिसमें एक आम आदमी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जम्पशन या बेनिफिट मिले। इस पर हमारी चर्चा हुई थी कि ऐसा कोई बेनिफिट की उम्मीद नहीं दिखती है। बेनिफिट इन्होंने जो कुछ फिगर्स जो हम लोगों ने अभी समराइज़ किए, उसमें से एक बात आपकी करी थी कि सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स एंड अबव ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। पीछे हम बात कर चुके हैं, सरकार ने इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया था कि साथ का साथ आपके फिगर्स ऑनलाइन दिखना शुरू हो जाएंगे, प्रीफिल रिटर्न्स होंगी। रैदर ये बेनिफिट और नीचे तक लाते हैं, एक्सपेक्टेशन थी कि अगर 60 साल तक के लोगों तक लाते तो थोड़ा और बेहतर होता, 75 मतलब बिल्कुल हम डेड एंड पे चीज़ों को लेके गए। दूसरा जो बेनिफिट्स हैं, छोटे छोटे बेनिफिट्स इन्होंने पास ऑन किए हैं, जैसे इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करी है और दूसरा ई गवर्नेंस की बहुत बात करी है। तो इसमें फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ उसमें सपोर्ट मिला है थोड़ा सा, सरकार ने कहा है ठीक है आगे इसके लिए हम अलग से फेसलेस असेसमेंट को लेकर चलेंगे, जिसमें उन्होंने प्रोसीडिंग्स को भी पकड़ा है कि 50 लाख एंड मोर की अगर असेसमेंट की कोई बात होगी तो भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के थ्रू ये बात लेके जाएंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है, इस तरीके के इन्होंने चेंजेस लाए हैं। बट हाँ, अगर आम आदमी और सिर्फ स्लैब की बात करूँ तो आपको नहीं मिलेगा। कविंद्र जी प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से हम लोग आपको जानकारी देते जा रहे हैं, जिस जो कुछ निर्मला सीतारमण ने कहा उसको समराइज करके आसान भाषा में आपको समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। आपको बता दूं कि सस्ता क्या क्या हो रहा है, नायलॉन, पेंट, लोहा, स्टील, तांबा, ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं। महंगा क्या हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ आप बात करूंगा, मोबाइल और चार्जर भी महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही पुलकित जी ये बताइए कि एमएसएमई सेक्टर की बात की जा रही थी, बताया जा रहा था कि एमएसएमई सेक्टर को ज़रूरत है, एमएसएमई सेक्टर की मदद की जानी चाहिए, बजट में उनके लिए कुछ निकालना चाहिए और बजट में उनके लिए कुछ देखा जा सकता है, तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ किया गया है? एमएसएमई के लिए कहा गया है कि एमएसएमई की एलोकेशन को इस साल डबल कर दिया जाएगा। एमएसएमई जो सरकार फंड एलोकेट करती है वो इस साल सरकार उसको डबल कर देगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलकित जी ने बताया, तो जैसे कि स्टार्टअप वालों के लिए भी बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्टार्टअप जो लोग करेंगे उनकी जो एक साल के लिए उनको छूट बढ़ा दी गई है, स्टार्टअप करने वालों को एक साल तक टैक्स नहीं देना है। ये सबसे बड़ी जो यहां का जो पॉइंटर मैं इसको बताऊंगा कि जो वित्त मंत्री ने दिया है ये एक तोहफा है स्टार्टअप करने वालों के लिए, क्योंकि पिछले कई मौकों पर देखा गया था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आ रही थी जहां पर स्टार्टअप इंडिया की भी बात की जा रही थी, स्किल इंडिया की भी बात की जा रही थी, और कोरोना के टाइम पर जो इकॉनमी को जो टायर में जो ब्रेक लगा था उसके चलते जिस तरीके से जो गाड़ी जो पहिया धीमा पड़ गया था उसमें कहीं ना कहीं एक फ्यूल और एक्सेलरेट करने की यहां पर कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार बजट पेश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन जो एक और चीज हो सकती थी, स्टार्टअप वालों को कुछ और ज्यादा उम्मीदें थी शायद, लेकिन यहां पर सिर्फ एक साल की छूट देना, एक साल के लिए कि आप इनकम टैक्स जो एक साल बाद उसको स्टार्ट करते हैं, तो इसमें इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए कावेंद्र जी,
आप अगर बजट की बात करो, बजट में इंक्लूजन करने की कोशिश तो करी है इन्होंने कहीं पे। आप सिर्फ अगर एक एमएसएमई को न टारगेट करो, जैसा भी पुलकित जी ने भी बताया कि दे हैव ट्राइड कि उसको भी फंडिंग को डबल करने की कोशिश करी या बेनिफिट को एक साल एक्सटेंड करने की बात करी है। इसके अलावा आप देखो इंक्लूजन की बात अगर जहाँ करो, उन्होंने हेल्थ केयर को इंक्लूड किया है जो उन्होंने 6 पिलर्स की शुरू में बात करी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड किया है, उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड किया है और इन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की भी बात करी। यानी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव है, फंड एलोकेशन भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज भी आप देखो हेल्थ केयर में इन्होंने मोटा मोटा 64,000 समथिंग करोड़ के आसपास का फिगर ये लेके गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.4 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ये चेंजेस की बात कर रहे हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हमने करी, उसमें हमने डिफेंस सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर की खासकर बात करी थी, उसको ये ओपन अप करने की बात कर रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू मेक आउट द थिंग्स ताकि मैक्सिमम चीज़ें प्रॉपर तरीके से मोनेटाइज हो सके ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ ट्रैक पे बढ़े। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ऐसे में ये जो प्राइवेटाइजेशन जो है इसमें दो धड़े हैं। देखिए रजनीश जी, इसमें दो लोग हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो है इसको हमेशा सपोर्ट में रहता है, एक पक्ष जो है इसके खिलाफ में रहता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट सब कुछ बेच देगी, गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनके हाथ में दे देगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो निजीकरण की जो बात की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो देखिए इसमें अपना पल्लू झाड़ रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करेगी। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इन इन चीज़ों पर ध्यान दे सके, उसको गवर्नेंस पर ध्यान देना है। तो ऐसे में ये चीज़ कैसे समझी जाए कि प्राइवेटाइजेशन जो किया गया है उससे देश को किस तरीके से फायदा मिलने वाला है? सर, आपकी बात को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। आपने कहा हम बेच रहे हैं, सरकार कहती है हम बेच रहे हैं, इट्स नॉट बेचना, वो प्राइवेटाइजेशन की बात। जी बिल्कुल, इससे क्लैरिटी की बहुत जरूरत है क्योंकि लोगों को लगता है कि बेच दिया गया, तो इसमें आप थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। इसमें अलग अलग तोड़ दो, इट्स नॉट अबाउट बेचना, इट्स ओनली अ सिंपल क्लैरिटी जिसकी बात है कि वो प्राइवेटाइज कर रही है। यानी सरकार कह रही है ठीक है वैसे ही बिजनेस होगा द वे इट वॉज हैपनिंग इन इंडिया, लेकिन जो हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था उसमें या हमारी इक्विटी स्टेक बहुत ज़्यादा था, हम अपने आप को उसमें से बाहर कर रहे हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल द बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। और जिस पर्सन को एग्जैक्टली बिजनेस की डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होना है वो उनमें इन्वॉल्व हों, जो एक्सपर्ट्स हैं उस लाइन से रिलेटेड वो उसमें इन्वॉल्व हों ताकि बिजनेस में हमें ग्रोथ देखने को मिले। जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए आईएमएफ ने भी यही कहा था पुलकित जी। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जो उनकी हम देख रहे थे, रिपोर्ट में बताया गया था कि इकोनॉमी जो है वो 11.5% का जो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट आज पेश किया उससे आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी को बूस्टअप मिल पाएगा? हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, ऐसा तो नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर ही नज़र रखी हो, सबको थोड़ा थोड़ा मिला है या फिर एक पर ज़्यादा मेहरबानी दिखी है सरकार की? जी बिल्कुल, सबको बूस्ट मिला है। हेल्थ केयर को आप कहोगे हेल्थ केयर में बहुत बूस्ट मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बूस्ट मिला है, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बूस्ट मिला है। सारे टैक्स पेयर्स का ध्यान रखने की कोशिश करी गई है। एमएसएमई सेक्टर्स की आपने बात करी थी, उनका एलोकेशन डबल किया गया है। इनकम टैक्स में उनको ईज ऑफ कंप्लायंस का ध्यान दिया गया है कि उनका जो कंप्लायंस का बर्डन था उन पर कम किया जाए। टैक्स ऑडिट की जो उनकी लिमिट्स थी उनको बढ़ाया गया है। डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो मोस्टली ट्रांजेक्शन अपनी कैशलेस करते हैं उनको टैक्स कंप्लायंस में ज़्यादा बेनिफिट मिले। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी का भी बयान लगातार सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बजट में इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। ये जो बजट पेश किया गया इससे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, सड़कें लंबी बन सकेगी, सड़कें अब बनाने में जो तेजी है वो देखने को मिलेगी, सरकार को इसमें मदद मिलेगी कि वो सड़कें जो हैं और बेहतर ढंग से और अच्छी बना सके। क्योंकि तमिलनाडु में भी जो सड़कें हैं उनको बनाने की जो बात है वो निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में भी कही थी। एक चीज समझाने की कोशिश कीजिए कि बजट में जब दाम बढ़ाए जाते हैं और कुछ चीजों के जो दाम घटाए जाते हैं, इससे मिडिल क्लास जो है, जो अपने आप को हमेशा अछूता समझता है कि बजट में उसके लिए कभी भी कुछ नहीं होता, सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती, गरीबों के लिए तो सब्सिडी वगैरह चीज़ें दी जाती हैं, अमीरों के लिए तो अपना कुछ है ही, लेकिन मिडिल क्लास जो अछूता रह जाता है हर बार के बजट से, इस बार क्या ध्यान में रखा गया, जो चीज़ें सस्ती की गई और जो चीज़ें घटाई गई हैं जिसके दाम? देखिए पेट्रोल, यस, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक जनरल जनता तो इससे पहले ही से त्रस्त है पेट्रोल और डीजल के दामों से, तो ऐसे में अब बढ़ाने की जरूरत क्या थी? इसको बढ़ाने से किस सेक्टर पे मतलब फायदा देख सकते हैं? इसे तो घाटा ही नजर आता है मुझको तो। हाँ, नॉर्मल पैरेलल्स में कहो तो यस, घाटा नजर आता है। बट अगर जैसा हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं सरकार को फंड की जरूरत है, सरकार के रिसोर्स कहाँ पे हैं, सरकार के रिसोर्स में अगर आप देखो तो जो पेट्रोल है वो प्राइमरी रिसोर्स ऐसा आता है जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो ऑफकोर्स वो तो मतलब मिलना ही मिलना है, उसका बढ़ना हम लोगों को देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल, देखिए पुलकित जी एक चीज़ और है जिस पर बात ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि देश में एक मुद्दा जो लगातार सबसे बड़ा है, जिस पर बात लगातार रोज़ हो रही है, आज बजट था इसलिए शायद वो मुद्दा दबा हुआ सा नज़र आता है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि एमएसपी पर भी कानून बना दिया जाए और वो जो 3 कृषि कानून है उनको भी वापस लिया जाए। तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट में क्या कुछ था, क्योंकि करोड़ों किसान देश में इसी पर टकटकी लगाए बैठे थे कि क्या क्या उनके लिए होने वाला है, तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ देखने को मिल सकता है, एग्रीकल्चर के लिए क्या कुछ है? सर, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल इस बार ही ध्यान में रखा गया है सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट लिया गया है 16.5 लाख करोड़ का, एमएसपी रिजाइम को हमारे अंडरगोन चेंजेस प्लान किए गए हैं एमएसपी रिजाइम के लिए, ये जो आप डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस के बढ़ने की बात कर रहे हैं ये भी जो सेस लगाया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लगाया गया है, एग्री सेस लगाया गया पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, देखिए किसानों को भुगतान करने की बात की जा रही है कि किसानों को पिछले बार के मुकाबले इस बार जो है ज़्यादा भुगतान किया जाएगा कपास की फसलों बाकी तमाम चीज़ों पर, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जो जुड़े लोग हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से इंडिया में आप समझिए कि 70-75% लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ाव रखते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ये कोशिश भी रही है, देखने को मिला है कि एग्रीकल्चर से जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनको खुश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर अभी भी किसान टिके हुए हैं, तो ऐसे में इस सेक्टर का भी ध्यान रखा गया। लेकिन फिलहाल जो एक और चीज़ बात कर लेते हैं एनआरआईज की, तो एनआरआईज को इनकम टैक्स ऑडिट से छूट की बात की गई है, इसको कैसे समझ सकते हैं, इनकम एनआरआईज को इनकम टैक्स से जो छूट दी गई है तो इससे एनआरआईज को फायदा मिलने वाला है, इसको किस नज़र में देखा जाएगा? जी पुलकित जी, एनआरआईज को ऑडिट से छूट नहीं, एक थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, कोई ऑडिट से छूट नहीं मिली है इनकम टैक्स में, ऑडिट से उनको कंप्लायंस बर्डन से बचाया गया है, जो डबल टैक्सेशन का उनको दिक्कत आ जाती थी एनआरआईज को, जो एनआरआईज इंडिया में आके शिफ्ट इंडिया शिफ्ट होते थे तो उनका जो रिटायरमेंट फंड पे उनका जो एक्रूड इंटरेस्ट पे डबल टैक्सेशन होता था उसके लिए सरकार ने उनको ईज देने की इसमें कोशिश करी है। जी बिल्कुल, देखिए आज बजट पेश हो रहा है और लगातार चीज़ें जो है डेवलपमेंट लगातार आते जा रहे हैं, बिग न्यूज़ लगातार कम हो रही हैं, कमिंग इन हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स जो है वो 1800 पॉइंट ऊपर बढ़ चुका है, सेंसेक्स 1800 पॉइंट प्लस पहुंच गया है, तो ऐसे में ये बताइए रजनीश जी, ये बाजार में जो सुबह से ही जो एक पॉजिटिविटी की लहर आई थी, बाजार सुबह से ही गुलजार था, तो अभी भी जैसे मैं देख पा रहा हूं, जैसे कि हमारे पास लगातार जो ब्रेक आ रही है उसमें ये है कि सेंसेक्स 1800 पे पहुंच गया है, तो इससे बाजार में और भी कुछ देखने को मिल सकता है अभी? सर, इंडस्ट्री ग्रोथ आप देखो, इन्होंने इंश्योरेंस को ओपन अप करने की बात करी है, इंश्योरेंस सेक्टर शुड गो अबव, इन्होंने बैड बैंक की बात करी है, बैंक को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए रिस्ट्रक्चर करने की इन्होंने बात करी है, तो उससे बैंक में ऑफ कोर्स आपको वहाँ तेज़ी मिलेगी। आप गाड़ियों की बात करो, उन्होंने कहा 15 साल या 20 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उनको इन्होंने उसमें लेके आए हैं कि उनको क्लेंस करेंगे धीरे धीरे करके, ऑफकोर्स वहाँ भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप ऐसे देखो अलग अलग एरियाज़ में कहीं ना कहीं टारगेट अगेन गया है कि इन्वेस्टमेंट करें, और एक्सपेक्टेशन भी ऐसा ही था इस सरकार से इस समय पोस्ट कोरोना, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक नई नौकरियाँ जनरेट कहाँ से होंगी, तो मोर द इन्वेस्टमेंट मोर जॉब्स इन कमिंग फ्यूचर, और मार्केट को ग्रोथ देखना ही देखना था फिर उस केस में। बिल्कुल, देखिए क्या होता क्या है कि जब रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट की जब स्टेज आ जाती है तो उसके बाद जब एक इंसान पेंशनर हो जाता है, तो पेंशनर जो लोग थे उनकी बड़ी डिमांड रहती थी कि उनकी पेंशन पर जो टैक्स लगता था उससे उन्हें मुक्ति दी जाए, तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसे में ये बताइए जो पेंशनर लोग हैं ये किन के लिए है, ये सभी उनके लिए है जो जो पेंशन जो लोग पाते हैं, या फिर कुछ लोगों की बात यहाँ पर की गई है कि जो पेंशन पे जो इनकम टैक्स नहीं लगेगा जो बात की गई है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं करी गई, पेंशन की कोई बात नहीं है, रैदर उन्होंने सिर्फ एक आपको बेनिफिट रिलीफ दे दी कि 75% के ऊपर के ठीक भाई आपको रिटर्न फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सही सिंपल, चलो आपके इस साल में कोई चेंज नहीं इन्होंने किया, किसी रेट में चेंज नहीं किया है, सिर्फ ये ई गवर्नेंस की जो बात आई तो उन्होंने उनको बेनिफिट पास ऑन कर दिया। ठीक है जी, रिटर्न आप भर लो इजीली, आपको फिगर्स वहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि देखिए आज बजट जो पेश हुआ है उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो अन्य स्कीमें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण के लिए एक बात कर लेता हूँ, विश्वास से विवाद से विश्वास तक, तो विवाद से विश्वास तक जो स्कीम इनकी चल रही है उसमें जिस तरीके से जो एक्सटेंशन भी देखा गया था, तो ऐसे में बजट के बाद उसमें कुछ फर्क? सर उसमें पास ऑन किया है इन्होंने छोटे एसएससीज के लिए भी, उनके पास भी इस बेनिफिट को पास ऑन करने की कोशिश करी है। रूल्स आने तो आगे थोड़ा और प्रॉपर ये नोटिफाई हो जाए तो इस पर और अच्छा हम लोग डिस्कशन कर सकेंगे। तो और जैसे कि बजट में एक और बात कही गई थी पुलकित जी कि 2022 जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की बात की गई है,
तो ये कर्ज किस सेंस का होता है, कैसे उसको देख सकते हैं हम लोग कि क्या कर्ज ले लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, इसको रिटर्न पॉलिसी क्या होती है, रिटर्न कैसे किया जाता है, ये कर्ज किसके लिए लिया जाएगा, क्या इसके इंडिया में इससे क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे? सर, जैसे कि आपने देखा ही है कि गवर्नमेंट नए बैंक्स में बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में भी फंड्स का इन्फ्यूजन करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बूस्ट देने वाली है, स्टेट्स में मल्टीपल स्टेट्स में नए रोड्स के प्रोजेक्ट लेने वाली है, तो ये जो सारा का सारा क्रेडिट है ये उसी में ही गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पर भी गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के भाषण में भी ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी कि जो प्रधानमंत्री जो बातें कहते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत की जब वो बात करते हैं तो उस पर भी ध्यान रखा गया है, मेड इन इंडिया पर भी ध्यान रखा गया है, मेक इन इंडिया का भी ध्यान रखा गया है, इसमें सभी सेक्टर्स की मदद करने की कोशिश की गई है, सभी सेक्टर्स को खुश करने की भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोशिश की है। इसके साथ ही बता दूं कि किसान जो लगातार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, तो ऐसे में किसानों को भी खुश करने की कोशिश की गई है, पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 30% ज्यादा भुगतान की बात कही गई है। अब देखना अहम हो जाता है कि कैसे इसको किसान जो है वो कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे इसको लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर किसानों का ध्यान रखा है। अब ऐसे में एक चीज बताइए रजनीश जी कि यहां पर जो एग्रीकल्चर के लिए जो किसानों को जो भुगतान की बात की गई, तो किसानों को जो 30% जो अभी तक बात निकल कर आई है कि 30% ज्यादा भुगतान किया जाएगा, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इतना ही रहना चाहिए था या थोड़ा सा और ज्यादा देने की जरूरत थी? देखो नंबर्स तो इंक्रीज किए इन्होंने लास्ट ईयर से, सर आप देखो आने वाले टाइम में कैसे इसको सरकार लेके चलती है और कितना ट्रांसफर हो पाता है उनके पास। जी बिल्कुल, देखिए तो तमाम जानकारियां जो हम लगातार बने हुए अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया था, वो लगातार तीसरी बार बजट पेश कर रही थी मोदी सरकार का। उन्होंने बजट में क्या कुछ कहा वो लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही बता दें कि क्या क्या महंगा हुआ है, क्या क्या सस्ता हुआ है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बजट में क्या नए डेवलपमेंट्स आए हैं, पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है किस सेक्टर को खुश करने की कोशिश की गई है, ये हम लगातार आपको बताएंगे और जानकारी आपको आगे देते रहेंगे। आप फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तो आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।